वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है आपका फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर फर्स्ट में से प्लानिंग इन स्पोर्ट्स जो आपका चैप्टर है उसमें से टाइप्स ऑफ कंपटीशन को देखेंगे। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, 5 to 10 मार्क्स आउट ऑफ 70 में से आना ही आना है। पिछले 6 साल से तो मैं देख रहा हूँ ये ट्रेंड, और आने वाले दिनों में भी ये आने वाला है। तो टाइप्स ऑफ कंपटीशन में हम लोग आगे देखते हैं कि फैक्टर डिटरमाइनिंग द टाइप्स ऑफ कंपटीशन, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि हमारा कंपटीशन किस टाइप पे किस टाइप का होगा। सबसे पहले जो एक्टिविटी देख रहे हैं, फिर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास कितना टाइम है जिसमें हमें टूर्नामेंट को ख़त्म करना है या ऑर्गेनाइज करना है। और स्पोर्ट्स फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, जैसे आपका स्पोर्ट्स डे होता है एक दिन का होता है, हमें उस हिसाब से एक्टिविटी वो करना पड़ता है। रीजनल स्पोर्ट्स होगा 3 दिन होता है 3 दिन के लिए, नेशनल होता है आपके पास 4 दिन 5 दिन का समय होता है, SGFI होता है उसके लिए 10 दिन का समय होता है, और ओलंपिक वगैरह होगा तो 16 दिन का होगा। इक्विपमेंट अवेलेबल क्या क्या है, लेवल ऑफ कंपटीशन कैसे हैं, बच्चे सीनियर हैं जूनियर हैं, ओपन हैं, गर्ल्स है बॉयज़ हैं, नंबर ऑफ टीम्स कितने पार्टिसिपेशन है उनके, वो कहाँ से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं तो ज़्यादा उनको थोड़ा रेस्ट चाहिए, कितना वो टायर्ड है, ये सब कुछ दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। ऑफिशियल आपके पास कितने हैं, आपके पास पैसा कितना है खर्च करने को, अपना आपके पास प्रिपरेशन कैसा है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिपरेशन आपके पास कैसा है, ऑफिशियल कितने हैं, आपके पास शेड्यूल कैसा है, पब्लिक कितना है, पर्सनल कितना है, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये तो हो गई मोटा मोटी बात। अब टाइप्स ऑफ कंपटीशन बेसिकली समझने की बात है, आपसे पूछता भी एग्जाम में, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ कंपटीशन, एक नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं आपके, नॉकआउट जिसको हम लोग एनिमिनेशन टूर्नामेंट भी बोलते हैं, लीग टूर्नामेंट और राउंड रोबिन टूर्नामेंट। ये हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछता है घुमा के कि अच्छा ठीक है आप लीग राउंड रोबिन टूर्नामेंट बना के दिखाइए या फिर लीग का टूर्नामेंट बना के दिखाइए, तो उसमें क्या हो जाता है बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो दोनों नाम सबका याद रखना है। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा, ये जो आपका कॉम्बिनेशन है इस कॉम्बिनेशन में क्या होगा, नॉकआउट प्लस लीग या लीग प्लस नॉकआउट, दोनों में से कोई भी पहले कर सकते हैं। पहले नॉकआउट खिला लेंगे उसके बाद लीग करवाएंगे, या पहले लीग करवा लेंगे और उसके बाद नॉकआउट कराएंगे। जैसे फुटबॉल में देखिए आप, पहले जो होता है लीग होता है और लास्ट में नॉकआउट होता है, और एक चैलेंज टूर्नामेंट जिसमें उसके बारे में बात करेंगे कि किस पिरामिड टाइप का टूर्नामेंट होता है, वो किस तरह से काम होता है। अब देखो सिंगल नॉकआउट होता है, डबल नॉकआउट भी होता है। तो नॉकआउट टीम का इसमें क्या है, मेरिट्स क्या क्या है और डिमेरिट्स क्या क्या है, लेकिन सबसे पहले आपको समझना है कि नॉकआउट है क्या। तो इसमें नॉकआउट में ये बोलता है कि एक बार कोई टीम मैच हार जाती है उसको दोबारा अपने कंपटीशन से खेलने का मौका नहीं मिलता है। ए टीम इज एलिमिनेटेड आफ्टर लूजिंग वंस एंड ओनली द विनर कंटिन्यू इन द कंपटीशन। एक बार जो हार जाएगा वो टूर्नामेंट से बाहर चला जाएगा, और जीतने वाले जो विनर हैं वही कंपटीशन में आगे बढ़ते चले जाएंगे या बने रहेंगे। इट इज़ द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ डिटरमाइनिंग द विनर, मतलब सबसे तेज़ी से विनर को डिसाइड करने के लिए जो होता है इस टाइप्स के टूर्नामेंट का हम लोग यूज़ करते हैं। जब हमारे पास समय कम होता है, ठीक है, नंबर्स ज़्यादा होता है, पैसे कम रहते हैं, तो मीट्स में लिखा हुआ है इट टेक्स लेस टाइम है, पैसे कम लगेंगे आपको, और खिलाड़ी को बाहर निकलने का डर रहेगा, जिससे जो है टूर्नामेंट जो है आपका इंटरेस्टिंग होता है। डीमेरिट्स क्या क्या है इसके, कि गुड टीम्स जो है वो हार जाते हैं, और कभी कभी फर्स्ट मैच में ही टूर्नामेंट में अगर हार गए तो टूर्नामेंट का जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। अगर दो टीम स्टार्टिंग में ही मिल जाती है, दो अच्छी टीम, तो उसमें भी टूर्नामेंट के उस पर असर पड़ता है। विनर ऑफ ए राउंड मे हैव टू वेट द विनर ऑफ द अदर मैचेस। अब जो एक बार विनर हो गया पहुंच गया उसको वेट करना पड़ता है कि हमारे पास कौन सा विनर जो है हमसे
पास आएगा, यानी आपका मैच पहले खत्म हो गया, आप तो विनर हो गए, अब दूसरा आपको वेट करना होगा कि इस मैच दो मैच के बाद जो विनर आएगा वही हमको फाइनल होगा। एक टीम फाइनल में पहुंच जाता है, दूसरी टीम अभी सेमी फाइनल में ही है, उसको डिसाइड नहीं रहता है कि कौन पहुंच जाता है, उसको वेट करना पड़ जाता है। इससे क्या होता है, प्लेयर का जो है एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। अब देखिए फिक्चर्स को ध्यान में रखने के लिए, वो जो ये जो फिक्चर्स होते हैं टूर्नामेंट को बनाने के लिए जो होता है इंपॉर्टेंट फिक्चर्स होते हैं, फिक्चर्स के आधार पर क्या होता है हमारा टाइम शेड्यूल, कौन किससे मैच करेगा उसके बारे में इसकी जानकारी इसमें दी रहती है। तो बेसिकली इस फॉलोइंग पॉइंट्स को जो है मस्ट बी कंसिडर वाइल ड्राइंग द फिक्चर्स। नंबर वन, नंबर ऑफ टीम्स, इस पर डिपेंड करता है आपके पास नंबर ऑफ टीम्स कितने हैं, नंबर ऑफ बाइज कैसे देंगे ईच हाफ में, नंबर ऑफ टीम्स को किस तरह से डिवाइड करेंगे, बाइज को किस तरह से डिवाइड करेंगे। फिक्चर्स को ध्यान में रखने के लिए ये तीन चीज़ें बातों पर जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखना है। अब देखिए बाई क्या है, इतना ज़्यादा इसमें मत जाओ, बाई सिंपल समझो, बाई जो है एक प्रिविलेज है, एक आपको प्रिविलेज दिया जाता है, ठीक है ना, कि आप जो है फर्स्ट राउंड में नहीं खेलिएगा, आप डायरेक्ट सेकेंड राउंड में खेलिएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा बहुत तेज है, उसको बोल देगी टीचर, बोल देता है चलो ठीक है तुमको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट एग्ज़ाम देना, ठीक है, क्योंकि तुमको जानते हो ये टेस्ट उनके लिए है जो बच्चे कमज़ोर हैं, आप तो ऑलरेडी बहुत तेज हो तो आपके लिए ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए बाइक दिया जाता है। अब देखो नंबर ऑफ मैच यहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मैच निकालने के लिए, ये बताऊँगा मैं बाद में, अभी नहीं समझाऊँगा, थोड़ी देर बाद समझाऊँगा। नंबर ऑफ मैच दिया हुआ है आपका, नंबर ऑफ मैच निकालने के लिए मान लीजिए आपके पास 8 टीम्स है 9 टीम्स है, तो नंबर ऑफ मैचेस कितना होगा, एन यहाँ से आपको होता है एन फॉर नंबर ऑफ टीम्स, मान लो 8 टीम्स है तो मैचेस कितने होंगे, तो एन माइनस वन यानी 7, ये ध्यान देने की बात है। नंबर ऑफ टीम्स को कैसे बांटेंगे, अगर टीम इवन है, इवन का मतलब मान लो 8 है तो इवन हो गया, 7 टीम्स है तो ऑड हो गया, तो अगर 8 टीम्स है तो उसको हम लोग इवन है तो एन बाई टू यानी 8/2 कर देंगे, यानी 4 टीम्स ऊपर में 4 टीम्स नीचे में रहेगा। अगर ऑड होता है ऊपर में टीम ज़्यादा रहेगा नीचे में टीम कम रहेगा, तो n प्लस 1/2 यानी 8 टीम था हमारे पास, 7 टीम था तो 7 + 1/2 तो कितना हो गया, 4 टीम ऊपर हो जाएगा, इसी तरह से नीचे में कितना हो जाएगा, 7 - 1 = 6 - 6/2 यानी 3 टीम्स, यानी समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपका जो है ऊपर में जो है 4 टीम रहेगा नीचे में 3 टीम रहेगा, कब, जब आपका टीम जो है ऑड है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए अब बाई को कैसे निकालते हैं, बाई को निकालने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि बाई कैसे दिया जाता है, पहले किसको देंगे बाई, सेकंड में किसको देंगे, थर्ड में किसको देंगे, फोर्थ में किसको देंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए क्या होता है, बाई को जब भी है टीम को पहले हम लोग नंबर ऑफ टीम को लिखेंगे, आगे दिखाते हैं, ये देखिए इस तरह से टीम लिख लिए ना, ये टीम मतलब टीम है 8 टीम है, एन बाई टू कर दिए, डिवाइड ऊपर चला गया नीचे चला गया, ठीक है। 7 टीम रहता तो हम लोग दूसरे तरह से करते हैं, कितने मैच होंगे, 7 मैच होंगे, 8 टीम है तो 7 मैच है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, पहला इससे खेला, दूसरा इससे खेला, तीसरा इससे खेला, चौथा इससे खेला, पाँचवा ये दोनों का सेमीफाइनल, इसका सेमीफाइनल और ये, और ये विनर हो गया, दोनों से जो जीता फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड में से जो जीतेगा, मान लो 2 जीता इसमें, 4 जीता, 6 जीता, 8 जीता इसमें, 4 जीता इसमें, 2 जीता, लास्ट में 8 विनर हो गए। तो ये तो सिंपल फॉर्म है, लेकिन थोड़ा टेक्निकली कहाँ हो जाता है, जब आपका जो है बाइज देना पड़ेगा, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। आज सिर्फ इतना ही समझेंगे कि सिंपल हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं, टीम को कैसे डिवाइड करते हैं और टीम के साथ किस तरह से मैच करवाते हैं।